नमस्कार। पाकिस्तान रे गत किछि दिन मध्ये बन्या जकु नाही नथिबा स्थिति 60 वर्ष मध्ये एभली बन्यार मुकाबला करि नथिला देश। बन्या पानी टिके कमीथिले बि स्थिति एबे बि संघाती एवं सबुठारु चिंताजनक कथा होची आगकु एभली विपर्जर बारंबार सामना करि परे पाकिस्तान। हाँ, आपण ठीक सुनुछंती, पाकिस्तान निकटरे ग्लेसियर जो भली तरळिलाणी ताको आदो शुभ संकेत नुहे, एपरिक आगको यह भयंकर विपद हो सामना को आसिबो बोली वैज्ञानिक चेतावनी देलानी। अर्थात पाकिस्तान ने विपर्जर एबे जो दृश्य सामना को आछुची ता केवल ट्रेलर, आगको आहुरी भयंकर होई परिस्थिति। यहाँ आम आलोचना तरळुछि ग्लेसियर सांघातिक हेबा पाकिस्तान स्थिति। तो पाकिस्तान ने जब भाव में प्राकृतिक विपर्जय भयंकर दृश्य सामना को आसुची आगक स्थिति आहुरी सांघातिक होपे ग्लेसियर तरलिबा नहीं चिंतार विशेषज्ञ वैज्ञानिक यहाँ नहीं चिंता प्रकट कर जलवायु परिवर्तन जो एभली समस्या देखा मिली और बारंबार विपर्जयर सामना करने को पड़पे एक विशेषज्ञ कहते वर्तमान जहाँ देखा मिली केवल ट्रेलर आगक बड़ विपद रही आगक बड़ विपद पाकिस्तान प्रति रही बारंबार होपे प्राकृतिक विपर्जय जेहेतु ग्लेसियर तरलुची जहाँ को नहीं एक प्रकार चिंतार अच्छा सबुठ अधिक ग्लेसियर जलवायु परिवर्तन प्रभाव में तरलुची जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय गोटे बड़ चित्र सामना को आसूँ जहाँ पाकिस्तान ने देखा मिली पाकिस्तान को नष्ट भ्रष्ट कर प्रलयंकारी बन्या देश अधारू अधिक अंचल प्रभावित होता बेले 1300 रु अधिक लोक जीवन गला सिंध बलुचिस्तान और खैबर पास अंचल सबुठ अधिक क्षतिग्रस्त हो सारा विश्व में समस्त चिंता प्रकट कर जातिसंघ एवं आईएमएफ सहित विभिन्न देश सहायतार हाथ बढ़ाई आर्थिक संकट दे गति करुवा पाकिस्तान पर ये बन्या विभीषिका आउ एक चैलेंज सृष्टि करी। तो लोक मानते समस्या बढ़ी जाइए सेना पक्षर हेलिकॉप्टर माध्यम रे विपन्न को एयरलिफ्टिंग एमती किसी अंचल अच्छी जो गत सप्ताह धरी पा जमी रही लोक मैंने पा घेर अच्छा बाह्य जगत रूसबू अंचल विच्छिन्न हो जाए तो से पाखे जो मैंने रही पा घेर उद्धारकारी टीम से पाखे पहुंचा कष्टर हो पड़ू जहाँ भिजुआल बयान करें देखिपुट कि भयंकर भिजुआल सामना को आसू तो बड़ कथा कि प्रलयंकारी बन पाखापाखि 400 पिला जीवन गला जहाँ अत्यंत चिंताजनक अनेक लोक निखोज अच्छा बन्या पानी रे स्कूल हॉस्पिटल ये सब भांगी जा शिक्षा स्वास्थ्य भित्तिभूमि पूरा पूरी भूसी पड़ी। तो वर्तमान समय ये जो स्थिति आसूची बारंबार विपर्जय सामना को मध्य करिबा को पड़ी परे आग को बड़ विपद रही जो कथा विशेषज्ञ कहते यह एक ट्रेलर आग को आहुरी स्थिति सांघातिक हो पारे ए संपर्क में अधिक आलोचना करिबा आलोचना करिबा को वर्तमान वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर निहार रंजन दास अच्छा डॉक्टर दास आपन को स्वागत करुच्छे आलोचना को वर्तमान समय आप देखु पाकिस्तान जो स्थिति देखा मिली तो अत्यंत भयंकर एमती कि कौ घर ना आप देखते जो तास पटापरी भासी जाऊँगी घर सब 1300 रु अधिक लोक जीवन गला 1000000 घर नष्ट हो जाकोटी अधिक लोक बेसहारा हो पड़ते पूरा पूरी एकदम देखते पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाए पाकिस्तान एवं ए कथा कह ये ग्लेसियर जेहेतु तरलुची गोटे जलवायु परिवर्तन जो एभली गोटे स्थिति देखा मिली आप मोटामोटी केमती देखुं परवर्त समय तो प्रतिक्रिया नेबी कि प्राथमिक प्रतिक्रिया कौन देखु निश्चिंत भाव अत्यंत दुखद जो घटना ये कि आप देखते अढ़ाई मास धरी लगातार भाव में पाकिस्तान आम जिते शत्रु राष्ट्र हेले पड़ोसी एवं जेहेतु पाकिस्तान एवं भारत आप देखिए 1947 पूर्व आम गोटे राष्ट्र थिलु अखंड भारत से तार गोटे थिलु किंतु वर्तमान परिस्थिति रे आम देखा किभली भाव में जो प्रकार जो गोटे प्रकार सीरीज सीरीज ऑफ एक्सट्रीम जो जोटा कहते बन्या ताको संपूर्ण भाव पाकिस्तान को वर्तमान गोटे प्रकार जहाँ जहाँ कहले पाकिस्तान प्राय तीन भाग रु एक भाग जो स्थल भाग अच्छी संपूर्ण भाव वर्तमान पाकिस्तान जल डूबी रही बुड़ी रही तार परिस्थिति एत खराब होता कहले 3,30,00,000 रु अधिका पाकिस्तान नागरिक प्रभावित होती पाकिस्तान
जो प्रकार रास्ता घाट रो जो नेटवर्क प्राय 5000 किलोमीटर अधिक रास्ता संपूर्ण भाव धोई किसी मात्र प्रभावित हो प्राय 241 ब्रिज जहाँकि बर्तमान गमनागमन उपयोगी ना एवं जहाँकि गोटे प्रकार जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन जहाँ जहाँ भी आम आलोचना करवा परवर्त समय तार मध्य गोटे बड़ प्रतबंधक साजिश एगुड़ाक आप देखु जहाँ जहाँ आप कहले जो जो एलिमेंट से जो भयंकर बनया जहाँ को कहुची कि ये जो दशंधिर हे तो गोटे सब बड़ विपर्य साउथ एशिया जहाँ बर्तमान आम देखी आसुचे आपकी बहुत गुड़े फैक्टर को आप दायी करें जोटा कि आपत भल भाव अनुधान करेंगे पाकिस्तान रो जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर अब मार्च अप्रैल मास रु अति जो कहते अप्रत्याशित भाव तार वृद्धि घटेला यह भाव परिस्थिति होता कि गत 60-61 वर्षर समस्त रेकर्ड को भंग कर तार गोटे प्रकार जो हॉट एयर आपणकर जो वायुमंडल जदि गोटे प्रकार उष्म अभाव रहे तार प्रभाव क्या उपर पड़े ठीक से जोटा कि बर्तमान कह बरफा जो बरफा बरफारूत माउंटेन रेंज थिला पाकिस्तान उत्तर भाग रे आपन को कही चाहे कि हिमालय किसी मात्र हिमालय किसी मात्र काराकोरम को द्वारा एवं हिंदुकुश ये तीन टी माउंटेन रेंज पाकिस्तान उत्तर भाग को आच्छादित कर रखी था अधिकांश आप देखिए जदि पोलार सिस्टम पोलार रो बाहर जदि कौन सी बेसी ग्लासीयर सिस्टम को देखिए तो पाकिस्तान प्राय 7200 अधिक ग्लासीयर अच्छी विशेषज्ञ मानक मत एवं सबुठ जो ग्लासीयर मानक जो उष्म जोटा कहल कि हॉट एयर सिस्टम ताकू निश्चित भाव अफेक्ट कला एवं जोटा कि धीरे धीरे आप देखु ये ग्लासीयर सिस्टम एमती किसी हुए कि आम एक्सट्रीम मनसून कथा पचर कथा किंतु जो जो मैंने ये जो बना को सहायता बना को नियंत्रण बाहर हबार देखते तरह गोटे आप जो बरफ तरल जोटा को ग्लासियल मेल्टिंग बोली कहते सेटा एभली भाव जहाँ को कह जा कि पाकिस्तान सबुठ वल्नरेबल पॉइंट वर्तमान स्थित अच्छी ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज रद्यो पाकिस्तान रो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन उपर आप आलोचना करेंगे से मात्र 1% रु शतकड़ा एक भाग रु कम कंट्रीब्यूशन किंतु पाकिस्तान को भोगवापी पड़ी जो मान वर्तमान सबुठारु विकास विकास डेवलप्ड कंट्रीज जो मान अछन्ते तांकर जो एमिशन गैस एमिशन कार्बन एमिशन रो वर्तमान प्रभाव वर्तमान पाकिस्तान भाई राष्ट्र को नाप पड़ू एटा गोटे प्रकार सीमित ही रही न था गोटे टेरिटोरी एवं यह निश्चित भाव जो मैंने कंट्रीब्यूट करना कि वायुमंडल दूषित हवा से द्वारा अफेक्टेड हूँ ठीक से भाव ठीक से बर्तमान जहाँ कह जा कि जो प्राय 33 गोटे प्रकार 33 गोटे जोटा ग्लासियल जोटा को कहते ग्लासियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग जोटा कह जाए कि पहाड़ पर्वत बा माउंटेन उपरे जिते बड़े बरफ तरले से गोटे कृत्रिम ह्रद सृष्टि करती जार कि चारिपाखे गोटे प्रकार से ही बरफ द्वारा गोटे प्रकार बाधक सृष्टि कर छोट छोट कृत्रिम ह्रद सृष्टि करा जाए कि जिते बड़े से बरफ मध्य जोटा कि आउटर बैंक बंद जहाँ कह जाए से माने जिते बड़े एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन में तरल आरंभ करती से फ्लडटा माउंटेन रेंज रु आसी आपणकर रिवर सिस्टम रहा पहुंचे एवं जिते बड़े एक्सट्रीम मनसून एवं हेवी मनसून को अधिक रु अधिक गोटे प्रकार नियंत्रण बाहर को पठेबार बढ़ेबार गोटे मात्र हूँ ग्लासियल लेक जो आउटबर्स्ट होता है जहाँ कि आशा कर कि यहाँ हुए तो बर्तमान जहाँ दुई दिन पूर्व यूएन तरफ कह जा कि बर्तमान जो सिंधु नदी अच्छी
ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପଞ୍ଜାବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି ଡକ୍ଟର ଦାସ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ମୁଁ ଫେରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଟ୍ରେଲର ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତ ଏଇସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ ରହୁଛି ସେଥିରୁ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ସଚେତନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରମଶଃ ଦିନକୁ ଦିନ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାଇ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଯେମିତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ତା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ପାଖାପାଖି 1.12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ଆର ପରିଣାମରେ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁରେ ପ୍ରଭୂତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ବନ୍ୟା ରୂପରେ ହେଉ ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ହେଉ ମରୁଡ଼ି ଭୂସ୍ଖଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଲି ପାକିସ୍ତାନ ବା ଭାରତ ବର୍ଷ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମୟରୁ ସମୟ ଘଟି ଚାଲିଛି ମୁଁ 2-3 ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବେ ଚୀନରେ ଏତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି ଯେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଚୀନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ୟୁରୋପକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାକି 40-47 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠି ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ 6 ମାସ ତଳେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେଠି ପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ଠିକ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡ଼ାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାହା ପରିଣାମରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କ୍ରମଶଃ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରୂପରେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇ ଚାଲିଛି ଯାହା ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁ ବନ୍ୟାର ପ୍ଲାବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ପାଖାପାଖି 1500 ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି ଅନେକ ଘର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଃସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଏତେ ଉଚ୍ଚର ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାମାଜିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାମାଜିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁହାଯାଉଛି କି ଏଇଟା ଟ୍ରେଲର ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳୁଛି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ତ ଇଏ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଲୋକମାନେ କେତେ ଦେଖିବା କି ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଇଏ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କି କମ୍ପାରେଟିଭ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉ ଆପଣ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଇଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ
सब एभली परिस्थिति को थाए जहाँकि वर्तमान परिस्थिति आमको देखा मिलूँ जितेबाला प्राय 3.5 कोटी पाकिस्तान साधारण जनता बर्तमान क्षति क्षति क्षयति प्रभावित होती पाकिस्तान वर्तमान निजे भी जापार नहीं कि परिस्थित निजक मुकबिला करने देखते पाकिस्तान निश्चित भाव बहुत राष्ट्र को निवेदन करछि कि ताकि गोटे प्रकार ह्यूमानिटेरियन असिस्टेंस मिलू एवं जो कि मिलित जातिसंघर महासचिव गोटे प्रकार अपील कर जॉइंट अपील पाकिस्तान सहित कि 160 मिलियन बा 16 कोटी डॉलर सहायता तुरंत मिलू जहाँ कि पाकिस्तान वर्तमान स्थित किसी मात्रा सहायता हम आप देखु पाकिस्तान आर्थिक स्थिति की किसी दिन पूर्व कलना कर पाकिस्तान श्रीलंका रास्तार गति करुच्छे हुए तो पाकिस्तान को मुहूर्त आर्थिक स्थित गोटे प्रकार कोलाप्स कर सेटा कहना से सहित पाकिस्तान गोटे प्रकार राजनीतिक अस्थिरता आम देखुचे कि भाव में यह वर्ष आरंभ जारी रही जदिओ इमरान खान को गादीच्युत कर तेबे भी ये सरकार वर्तमान सुधा आपण जदि कहिबे स्टेबल एवं संपूर्ण भाव में दृढ़ भाव ये जो स्थित को मुकबिला कर सीटा संभव यही नुहे कारण पाकिस्तान जो प्रकार आर्थिक दोदुल्यमान स्थित अच्छी एवं पाकिस्तान जो भाव चीन भाई राष्ट्र मानक सहायत निजे आगे बढ़ाप चेष्टा कर सस्टेनेबल नुहे कारण आम देखीचे श्रीलंकर चीन उपर निर्भर कर गोटे प्रकार ऋण जनता पड़ जाइए पाकिस्तान मत जो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर गोटे कार्यकारी करा भविष्य पाकिस्तान को निश्चय भाव में ऋण जनता टाणी आन कि तारी जो कहते बोझ कोरोना बीड़ा भाई बर्तमान जिते पाकिस्तान तीन भाग एक भाग अंचल क्षतिग्रस्त पाकिस्तान 5000 किलोमीटर रास्ता क्षतिग्रस्त पाकिस्तान में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ना जोटा कि प्रोटेक्शन दे पार जो भाव में आम ओडिशा कथा चिंता करवा ओडिशा बात्या आसला बेल जो भाव में लोक को आम स्थानांतरित कर कोस्टल रीजन रे कि बात्या बात्या बन्या आश्रयस्थल मानू और लोक मान प्रोटेक्शन दे पारे से भाई परिस्थिति पाकिस्तान पाखे ना आप जब देखिए कि भाव में हाईवे जो जो हाईवे कि पानी छुई ना कि भाव में दयनीय भाव में लोक मैंने जीवन जापन करा गोटे गोटे सहर संपूर्ण भाव में बुड़गला भाई परिस्थिति सृष्टि सेटा सूचाई दूसरी कि परिस्थिति कौन सी प्रकार नर्माल नुहे यह निश्चय भाव में गोटे प्रकार अन्य राष्ट्र मान सहायता और जातिसंघ भाई जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन अच्छा तांकर बिना सहायता रे पाकिस्तान आगे को बढ़ी पारे ना जो कि पाकिस्तान जे कि 2019 मसीहा पर भारत सहित तो समस्त प्रकार वाणिज्यिक कारबार को बंद करतिला एवं सेटा को से माने पुनर्बार परिचालना करबा पई बा पुनर्बार रिवाइव करबा पई जो कथा कहते एकदम गुरुत्वपूर्ण कथा जेहेतु देखिए आम देखु 2022 रे जो सुपर फ्लड सब रेकर्ड को भांगी देती पाकिस्तान ने 75 वर्ष इतिहास ये 28 थर बड़ बनार जेहेतु पाकिस्तान सामना कर प्रति 2-2.5 वर्ष बना और फ्लाश फ्लड में प्रभावित होउछि पाकिस्तान किंतु बड़ कथा होउछि ग्लेशियर तरलीपा जो एभली स्थिति सृष्टि होउछि समस्त गोटे बड़ विपद एवं विशेष करके भारत पाई कि जेहेतु पाकिस्तान एभली स्थिति सृष्टि होउछि तो भारत पाई मत जेहेतु आम पड़ोसी देश आमको सतर्कता वर्तमान समय कि अवलम्बन करिवार आवश्यकता रही आग को यह संपर्क में आलोचना करिबा किंतु वर्तमान समय होउछि नै जिबा कोछो ब्रेक तो वर्तमान समय जलवायु जो परिवर्तन देखा मिली यह केवल एक ट्रेलर बोली विशेषज्ञ जिते कहते आग को निश्चित भाव में स्थिति आहुरी बंद भयानक हो पाए केवल पाकिस्तान कहीं एमती सारा विश्व में प्राकृतिक विपर्य देखा मिलपे संयुक्त जयकृष्ण पाणिग्राह बड़ कथ कि कहीं बुड़ा पाकिस्तान कहीं पाकिस्तान में घटू बारंबार प्राकृतिक विपर्य यह पचर जो मुख्य कारण हो कि ग्रीष्म प्रवाह जलवायु परिवर्तन अधिकांश जलवायु मॉडल अनुसार दक्षिण एशिया मौसुमी जो ये पाकिस्तान जेहेतु प्रबल वर्षा होता है सेकेंड द्वितीय रीजन कारण होउछि कि समुद्र जेहेतु अहेतुक तापमात्रा वृद्धि वेस्टर्ली एवं वेदर प्रभाव ये सब कारण आम कहीपर कि गोटे पट तो ग्लेशियर तरल पाय जो एभली स्थिति सृष्टि होउछि ता सहित ए सब कारण बोली आम कहीपर
हाँ निश्चित भाव आम दर्शक मान को बहुत क्लीयर भाव कहीद जे दु तीनो मुख्य कारण जो कि बर्तमान एभली परिस्थिति पाकिस्तान में सृष्टि तापमात्रा वृद्धि कथा आम आलोचना करते जो भाव में पृथ्वी तापमात्रा क्रमशः वृद्धि पाई चलती से समुद्र में उत्ताप जलर वृद्धि पाँच जो अधिक बाष्पीकरण होष्पीकरण होगा फल मेघ सृष्टि होता आकाश में अधिक परिमाण में आम जानवा दरकार जलवायु परिवर्तन आज विश्वतापन हो प्रक्रिया अधिक वर्षा हम कि दुखर विषय हूँ वर्षाटा क्रमश नियमित भाव हम ना अनेक दिन धरी वर्षा छाड़ हठात प्रबल भाव में वर्षा हम जहाँ कि बर्तमान पाकिस्तान में घटला यह गोटे प्रबल मुख्य कारण आम जानवा दरकार जे अगस्त मसरे हाराहारी जी वर्षा पाकिस्तान होता है ये वर्ष सिंध प्रदेश देखा से 784% अधिक 784% अधिक वर्षा होगी केवल अगस्त मसरे ठीक से बेलुचिस्तान प्रदेश लगी 500% अधिक वर्षा होगी ये हूँ गोटे मुख्य कारण ता सहित जेहेतु तापमात्रा वृद्धि पाँची ए बरफ तरुची मेरु अंचल दक्षिण मेरु उत्तर मेरु अंचल जो विशाल आकार बरफ जमिक रही से तरुची ता सहित पर्वतांचल हिमालय पर्वत हिंदुकुश पर्वत यह सबू जिते बहु आकार बहु परिमाण बरफ जमी जहाँ को आम हिमवाह कहे ये हिमवाह तरल जो बड़ बड़ खंड तल को प्रवाहित होदी आसू नदीर पतन वृद्धि पाँच ठीक से समय प्रबल मात्रा वर्षा होमवाह तरल तेणु जलर परिमाण सामग्रिक भाव में बहु परिमाण वृद्धि पाइला जो कि नदी नाल मध्यम एत पर जल हठात समुद्र मध्य प्रवाहित हो पारा ना तेणु ये प्रक्रिया बर्तमान समग्र विश्व में घटू जो कि जहाँ को आम फ्लाश फ्लड बोल साधारण कहीदे फ्लाश फ्लड अर्थ हूँ हठात प्रबल मात्रा वर्षा हम एवं बना सहर मानक घटू विभिन्न सहर आम भारत बर्ष देखु विभिन्न सहर में अनेक समय फ्लाश फ्लड जो बना हो जाए भुवनेश्वर सहर में बना हो जोटा कि गोटे उच्च सहर से किसी अंचल बना हो जाए निकटने 15-20 दिन तले एभली घटना घटी था तो समग्र विश्व में एभली घटना घटी चलती तेणु जलवायु परिवर्तन बहुत जटिल प्रक्रिया ये मनीष नियंत्रण में ना जो भाई भाव में आम विभिन्न उत्सरू कोईला पेट्रोलियम प्राकृतिक बाष्पर बहुत व्यवहार आ भितर कर सारे शिल्प विप्ल परवर्त समय आर परिणाम स्वरूप यह घटना सब घटू ग्रीन हाउस गैस सबुज बाष्प वायुमंडल अधिक वृद्धि पाँच पाकिस्तान कष्टकर चीन अमेरिका कानाडा एवं यूरोपीय राष्ट्र समूह पाकिस्तान सहायता राशि घोषणा कर सहायतार हाथ बढ़ाई आपको कमी देखुं वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ भाव में जिते बड़े गोटे देश एभली गोटे विपत्तिर सामना करुच्ची देश सहायतार हाथ बढ़ाई अंतर्जातीय मुद्रा पांठि IMF 1.1 बिलियन डॉलर पांठि अनुमोदन कर देखु गोटे प्रकार जो ह्यूमानिटेरियन असिस्टेंस कथा आपड़ कहउचंती एवं जहाँ कहले कि पाकिस्तान का पाकिस्तान को सहायतार गोटे प्रकार सुअ छुटी चीन रु एवं साउदी अरब यूए रु एवं अमेरिका एवं अन्य राष्ट्र माने मध्य सहायतार हाथ बढ़ई सेटा गोटे नेचुरल फेनोमेनन इंटरनेशनल रिलेशन रे आपण देखंतु भारत मध्य अतीतर एवं वर्तमान परिस्थिति रे मध्य भारत अतीतर जितेबेले पाकिस्तान रो कोनसी प्रकार विपज्जय रे अकुंठ चित्तरे पाकिस्तान को संपूर्ण समस्त प्रकार रो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पाई निस्वभाव रे प्रस्ताव देइछि पाकिस्तान ताकु अतीतर के बहुबार मतलब रिजेक्ट करिछि बा ग्रहण करि नाही पक्षर पॉलिटिक्स जो साउथ साउथ जो भारत पाकिस्तान सीमा विवाद ये सब गोटे प्रकार दायी किंतु कथा जे भारत मध्य निश्चय भाव में गोटे पड़ोसी राष्ट्र विश्व गोटे द्रुत अभिवृद्धि करुवा राष्ट्र भाव में भारत निश्चय भाव प्रस्तुत हो प्राइम मिनिस्टर जो प्रकार आम गोटे समबेदना ज्ञापन कर निश्चय भाव से दृष्टि जदि आवश्यक पड़े एवं पाकिस्तान भारत तरफ रु
जो ह्यूमानिटेरियन असिस्टेंस नवापे बा ग्रहण करबा पे प्रस्तुत थिबो सेटा निसंभव भारत तरफ सेटा मत करा जीव किंतु कथा होची जे वर्तमान परिस्थिति रे जो प्रकार आपण जोटा कहिले कि सेकंड क्वेश्चन ता एक्चुअली मु माने टिके बलवा पर ताकु सुनि पारलिनि किंतु प्रथम प्रथम कथा होची जे निसंभव रे भारत कौन करबा उचित आगक आपनक प्रतिक्रिया मध्ये नेपि इसुक्त पाणिग्राही बड़ कथा होची कि आपण देखंतु मेरु अंचल बारंबार जेतु प्राकृतिक विपर्यय सामना करूची पाकिस्तान एवं ग्लेशियर तरळीबा कुने कि विशेषज्ञ चिंता रे अछंती एवं एई नामे समस्त जानिचे मेरु अंचल को छाडी देले पाकिस्तान रहिची सबुठारु अधिक ग्लेशियर ये प्रकृतरे जेतु जलवायु परिवर्तन प्रभाव रे ग्लेशियर तरळुची स्थिति आगक सांघातिक होई पारे कि भारत उपरे प्रकृतरे कोन प्रभाव पड़िबो जेतु आमर पड़ोसी देश होची पाकिस्तान आमको किभली सतर्क भितरे रहिबार आवश्यकता रहिछि। नै पाकिस्तान रे जोभली घटना घटुछि सेही घटना विश्वर अन्य प्रांत रे अन्य स्थान रे मध्य पुनरावृत्ति होबार जथे संभावना अछि। समय रु समय एभली घटना विभिन्न जागा रे घटिबो भारत वर्ष मध्य रे मध्य घटिबो। तेणु जदि हिमालय उपरे जेते हिमबाह जमिक रहिछि से सबू जदि तरल जिबे एवं एभली परिस्थिति हठात प्रबल मात्रा रे वर्षा हबो ताले आमर गंगा जमुना इत्यादि ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदी मानंकरे एभली प्रबल मात्रा रे बन्या देखा जिबो एवं जहा पर परिणाम रे भारतर उत्तर भाग विशेष भाव रे प्रभावित हबो। ठीक सेभली भाव रे दक्षिणांचल रे आमे देखिछे केरल रे गत वर्ष किभली भाव रे बन्या हेतला तमिलनाडु रे मध्य हेतला मुंबई सहर केमिति बारंबार बन्यारे बुड़ी जाउछि ये सब फ्लाश फ्लड प्रक्रिया आगो को आहुरी अधिक संख्या रे अधिक मात्रा रे आगो को अधिक मात्रा रे हेबो अस्तित्व पानी ग्रही आपन कटे शेष प्रतिक्रिया नै जिबि पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन पई मात्र 1% दाई विश्वर प्रभावित देश मानक रे देखिबा कि 8 नंबर अछि पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एक समिट रे कहितिले कि जलवायु परिवर्तन पई छोटो छोटो देश गुडी को दाई करा जाउछि प्रकृत रे देखिबा कि बडो बडो देश बेसी मात्रा रे प्रदूषण पई दाई तो आकु प्रकृत रे रोका जिवो केमिति विकसित राष्ट्र माने जो माने हाईली इंडस्ट्रियलाइज जो शिल्पर प्रसार यथेष्ट घटी सारी जो माने यही वर्तमान परिस्थिति पाई मुख्यतः दायी अमेरिका एवं यूरोप एमाने वर्तमान निज हाथ सफा कर देकरी बसछंती जेतेबेले ये समस्या आस्ते आस्ते विश्व स्तर में प्रसारित हो चली कहीं समस्या जी सृष्टि करूना ना कहीं किंतु तार प्रभाव में समस्ते प्रफुटित हे से छोट देश हो गरीब देश हो से माने आहुरी बेसी प्रफिटित हेबे काहेकि ना से मानक पाखरे पूर्व प्रस्तुति नाही। अमेरिका यूरोप रो धनिक राष्ट्र से लोक माने निश्चित भाव रे आम तुलना रे अधिक प्रस्तुति तांके पाखरे रहिछि एभली सिचुएशन बा परिस्थिति को मुकाबला करिया पई अन्य पक्षरे गरीब राष्ट्र बा विकास रो राष्ट्र मानकर समस्या अनेक रहिछि सेठी लोक मानकु खाइबा खाद्य पदार्थ दबाठु आरंभ करी पीवा पई पानीय जल दबाठु आरंभ करी सिक्त पानी कही पाकिस्तान पई ए भय नहे समान भय मध्ये आपण देखंतु भारत पई मध्ये रहिची सिक्त जय कृष्ण पाणी ग्रही आपण देखंतु हिमालय पाददेश रे जेते बडे दुईटी देश अछि वर्तमान ग्लेशियर तरळी बा दुईटी देश को वर्तमान समय रे चिंता रे पकाइ दउची तो ये मुकाबला पई आमे किभली प्रस्तुत रहिबार आवश्यकता रहिची। दुईट स्तर में प्रस्तुति पर्व रहा दरकार सरकार जो जो कार्यक्रम हाथ को ने जहाँफल ये जो ग्रीन हाउस गैस निर्गमन वायुमंडल को जथेष अधिक हो चलती रोक विकल्प शक्तिर उत्स जहाँ को आम अक्षय शक्ति बोल कहे से सूर्य आलोक रु हूँ पवन रु हूँ समुद्र ढेर हूँ अन्य उत्सर हो ये सब विकल्प शक्तिर उत्स जो थे प्रदूषण हम ना जो थे सब युग बाष्प निर्गमन हम ना ताकु जेते संभव जेते शीघ्र संभव आम ग्रहण करने को पड़ो अन्य पक्ष जीवाश्म जलनी कोईला पेट्रोलियम प्राकृतिक बाष्प ये सब व्यवहार को जेते शीघ्र संभव बंद करा पड़ो संकुचित करा पड़ो अन्य पक्ष लोक मान सशक्त करने को पड़ो जहाँ को आम आडप्टेसन बोल कहे लोक मैंने प्रस्तुत हेबे हठात बन्या आसीगले निजक किभली भाव में सुरक्षित स्थान को ने निजक रक्षा करेंगे धन संपत्ति रक्षा हम अन्य पक्ष सरकार मिटिगेशन बा कौन कौन पद्धति अवलंबन करे मूल समस्या को आम ठीक भाव में नियंत्रण कर दूरे दे पारिबा ये तेणु सरकार आरंभ कर विभिन्न संगठन व्यक्ति विशेष समस्त किसी भूमिका रही आमको
ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଦକ୍ଷତା ନିଜର ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ହେଉଛି ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ତା ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ। ଆଶା କରିବା ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ସବୁ ସରକାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଖେଳିବ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ନ ପାରେ। ବଡ କଥା ହେଉଛି କି ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଯେତିକି ରୋଲ ରହିଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ସମୟ ଆସିଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ରହିବେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ନେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି, ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, 1300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି, ସିନ୍ଧ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପାସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି ବୁଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ, କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନରେ ଘଟୁଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଏହା ପଛରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେହେତୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖିବା କି ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ଲାସିୟର ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତରଳୁଛି, ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିପତ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହଯୋଗୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବୁଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ, କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି, ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ଲାସିୟର ତରଳୁଛି, ବାରମ୍ବାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ପାକିସ୍ତାନ, ତା ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଦେଶ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହାଏଷ୍ଟ ଗ୍ଲାସିୟର ଅଛି, ତ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତ ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ତ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗ୍ଲାସିୟର ଅଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ବିପଦ, ଏବଂ ସମାନ କଥା ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ। ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଗତ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲାସିୟର ମେଲ୍ଟିଂ ହେବା, ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହୁଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ ବା ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବନ୍ୟା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ଆ ଭିତରେ ତିନିଟି କାରଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନର ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ, ଯେମିତିକି କହିବା ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗ୍ଲାସିୟର ମେଲ୍ଟିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ତିନିଟି କାରଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ବନ୍ୟା, ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯିବ ଭାରତର ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବନରେଖା କହିପାରିବା, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ମହାନଦୀକୁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ, ସେମିତି ପାକିସ୍ତାନର ଜୀବନରେଖା ସିନ୍ଧ ନଦୀ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଧ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଯଦି 7-8 ବର୍ଷ ତଳର ସିନ୍ଧ ନଦୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ 7-8 ବର୍ଷ ପରର ସିନ୍ଧ ନଦୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏହି ସିନ୍ଧ ନଦୀ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଲଙ୍ଘି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ତା'ର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ପାଖାପାଖି 15-20 ଶାଖା ନଦୀ ରହିଛି ସିନ୍ଧରୁ ବାହାରିକି ବିଭିନ୍ନ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ଯେ ଆରବ ସାଗରରେ ମିଶିଛି ମଧ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ମାନେ, ଟିକେ ପାଣି ଆସିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମେଲ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସିୟର ମେଲ୍ଟିଂ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହିଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ
कारण बोली आम अस्वीकार करना देखो जिते बड़े पहाड़ को काटी आम रास्ता बनाऊे बड़ बड़ पहाड़ को काटी आम रास्ता आधुनिकरण कराफल कौन हो जलवायु परिवर्तन ही गोटे मुख्य कारण होता है। आउ गोटे कथा आम कहीपर स्वागतिका जिते बड़े चीन हुए तो गोटे प्रकार परोक्ष दायी प्रत्यक्ष दायी बोली कहुच्छे पाकिस्तान बनापाई गूगल आर्थ जरिया ग्राफिकली आम देखा जो प्रकृति में कौटी कौटी ग्लासीयर रही कौन चित्र रही सी केमी तरल की नदी निम्नगामी होमें देखा चाहिए देखते बर्तमान देख मो पाखे रही जो चित्र आप देखिपुर ये हूँ आप वाइडली देखा चाहिए जिते बारे इस्लामाबाद यही पाखे बर्तमान रहा देखते ये सब हूँ ग्लासीयर्स अर्थात गोटे बड़ बड़ बरफ पहाड़ जोगुड़िक बर्तमान तरला धीरे 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 एगुड़ाक सब नदी में प्रवाहित होफल बनास्थित सृष्टि होती देखते पाकिस्तान अनेक एरिया पाकिस्तान एमती अनेक जगार बर्तमान ग्लासीयर रही केवल पाकिस्तान नुहे टी एपटे चीन जी आसवा चीन आड़े अनेक ग्लासीयर रही जहाँफल बर्तमान तरल फल बर्तमान यह अति भयानक स्थिति सृष्टि करुच्ची चीन बा पाकिस्तान जो गोटे कथा कहे जो ग्लासीयर कथा कहे आपड़ देखते जिते बड़े विभिन्न प्रकार आधुनिकीकरण आम गोटे विकास आड़ को गति करुच्चे जमी कह पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर पीओके कथा जो आलोचना करवा देखते ये गिलगिट बलूचिस्तान रही खैबर पखन खैबर प्रदेश कथा कहतु वही पाखापाखि सर्वाधिक उच्चता 8469 मीटर व 37785 फुट्र उच्च पहाड़ रही पहाड़ गुड़िकर कौन आप ग्लासीयर रोच बरफ रोच धीरे धीरे यह जो अत्यधिक तापमात्रा परिवर्तन आसूँ तरली जाऊँच तरल फल नदी में जल में मिशा सहित असंभव बन्या सृष्टि करियंत्रण करना अर्थात जो मौसुमी वर्षा जिते प्रतिशत मौसुमी वर्षा हवा कथा से अनुसार अधिक मौसुमी वर्षा सहित ग्लासीयर मेल्टिंग फल देखते युवा ह्वैट मार्क आप देखुं एगुड़ी हूँ ग्लासीयर अर्थात बरफर बड़ बड़ पहाड़ एटा तरल द्वारा कौन हो नदी जलस्तर बढ़ुची एवं यह विभिन्न कारण रही आप देख विकास कथा कहते चीन एकम्र एक प्रकार दायी बोले आम कही पार देखो आप चीन विभिन्न विश्वर सबुआ देखते जो बरफर देश कहुए थंडार देश कहुए से आप देखते गरम अनुभूत होारद बढ़ी बढ़ी जा क्षेत्र जिते बारे ग्लासीयर कथा आलोचना करुचे पाकिस्तान बंधु चीन राष्ट्र होते अंत पक्षे एपरी चीन देखा नजर को आसूची जो गुड़ाक आप कहतु जे अप्रिय सत कथा कहीपर एवं भयंकर बन्या परिस्थिति देखा जबार कारण चीन बोली कहुच्छे कारण आप देखते चीन जलवायु अनेक समय देख चीन जलवायु उष्म होबार लगी जमी बाली झड़ आम आगुरी देखी चीन में भीषण बाली झड़ आसी अर्थ तापमात्रा शुष्क होगापर बाली पहाड़ पहाड़ उच्चर बाली झड़ आसूची से ही अनुसार जो तापमात्रा बढ़ ग्लासीयर सब आपंकर तरल आरंभ कर तेणुक जहाँफल पाकिस्तान खैबर पखन कवा कहतु गिलगिट बलूचिस्तान कहतु पंजाब कहतु बलूचिस्तान सिंध पाक अधिकृत काश्मीर यह सब अंचल देखते बन्या स्थित सृष्टि होती भारत कथा आपड़ कहते भारत कथा आम आलोचना करुचे केवल पाकिस्तान नुहे भारत एमती एक समय गति करे यह अस्वीकार करना जल जल देखा जाखु उत्तराखंड कथा कहतु हठात बादलफटा वर्षा होगा जेकोसी हिमालय प्रदेश में अनेक अंचल रही हिमालय देश ग्लासीयर तरल आरंभ कैम ता नदी में मिशि थाए जहाँफल कहींपर जो ये किए पाकिस्तान जो भी बन्या स्थित सृष्टि भारत में पारे ये संभावना को आम एड़े पारा ना स्वागतिका निश्चित भाव में आपड़ एकदम मैप मध्यम डिटेल्स देखेले कि भाव में ग्लेसियर तरल जो एभली स्थित सृष्टि चीन एथपाई केते कांश रे दायी गोटेपटे दक्षिण एशिया ये क्लाइमेट क्राइसिस हॉटस्पॉट पलटि मुझ फेर परवर्त समय लक्ष्मी आपको फेर भी डॉक्टर दास बड़ कथा हो पाकिस्तान वर्तमान समय जो स्थिति देखुचे तार इफेक्ट परवर्त समय भारत पर कौन पड़ पाए देखु जहाँ किसी समय पूर्व आलोचना कर जो जलवायु परिवर्तन रु कौन सी राष्ट्र तार जो इफेक्ट जो तार जो प्रभाव पड़ब कौन सी राष्ट्र से गोटे प्रकार सुरक्षित नुहति ये कि आम जो आलोचना करूँ कि ग्लासीयर मेल्टिंग द्वारा बा बरफा द्रुत पहाड़ गुड़िक तरल द्वारा किभली भाव में आर प्रभाव पड़ुछी जोटा कि
एक्सट्रीम मनसून सहित जोड़ी ही पाकिस्तान अवस्था आज यह स्थित पहुंचे आप पूर्व मो पूर्व आप जो जहाँ कहते कि किभली भाव में जो ग्लासीयर गुड़ी फर्मेसन हुए सबुठ भयंकर जोटा कि से हिमालय भारत सहित भारत उत्तर भाग हिमालय हो पाकिस्तान सहित जोड़ी होता हिंदुकुश पर्वत हो कार्यक्रम पर्व हूँ से आप देखते जो हाई बा जो ऊपर भाग रे हाई एलिवेशन लेक जो फॉर्मेशन होची ग्लासियल मेल्टिंग द्वारा एवं जहाँ धीरे धीरे अधिकार अधिका तार जल धारणा कर चलने गोटे पॉइंट से निश्चित भाव ब्रेक कर ब्रेक करने द्वारा यह विपर्य निश्चित भाव में देखा मिले जहाँ कह पाकिस्तान वर्तमान उत्तर भाग प्राय 33 जोटा कि जो जोटा कहते को मुहूर्त से 33 जो अच्छा अति प्रो को मुहूर्त जो मेल्ट करे गोटे प्रकार ब्रेक हम से जो हाई एलिवेशन लेक अच्छा से भाई परिस्थिति जदि भारत उपर भाग उत्तर भाग सृष्टि ताले मत लगुच आमर जो एक्सपर्ट्स अच्छा जो आईआईटी इंदोर भाई जो बड़ बड़ सरकारी संस्था माने बा इंस्टीट्यूशन माने काम करुछन त्या परे जलवायु परिवर्तन उपर दृष्टि रखचंती एवं जो ग्लासियर मेल्टिंग उपर रिसर्च करा जाउची से माने निश्चित भाव रे सरकार को जो कहते प्रस्तुत होवा पे ये परिस्थिति को एड़े देवा पे भविष्य में किभ प्रस्तुति करा जिवो ता पर निश्चित भाव रे एडवाइस दौथिबे बा उपदेश दौथिबे एवं सेटा आमे देखिचे कि 2013 मसिया पूर्व जो बद्रीमान बद्रीनाथ आमे जो परिस्थिति देखिथिले कि जदियो एटा गोटे प्रकार जो कहते क्लाउड बर्स्ट जो होता अत्यधिक वर्षा जो द्वारा होता किंतु ये जो गोटे प्रकार गोटे वर्षा हो बा शीत हो बा जो परिस्थिति आम देखुचे नेचुरल फेनोमेनन गुड़िकर आउ कौनसी प्रकार आप प्रेडिक्ट करि परबेनि जोटा के आलोचना करा जाउतला कि यूरोप रे वर्षर जेभली भाव रे तापमात्रा अत्यधिक वृद्धि पाइतला एवं लंडन रे जोटी के टेम्परेचर पर 40 डिग्री पाखरे पहुंचतला सेटा सूचे दउची जाय कि एभली परिस्थिति रो कौनसी राष्ट्र मुक्त नुहंती एवं मालदीव्स भली जो माने समुद्र द्वारा चारिपट रे घेरीतबा छोट छोट द्वीप राष्ट्र अछंती जदि समुद्र पतन रे वृद्धि घटिबो एभली द्वीपपुंज भविष्य रे संपूर्ण भाव रे निजर सत्ता हरेबे एथिरे मध्य गोटे प्रकार कौनसी संदेह नाही एवं सेइ परिप्रेक्षीरे भारत रो जो आभिमुख्य अच्छे एवं जेभली भाव रे सोलार उपर मते किछ समय पूर्व आपण आलोचना करथिले कि जो अक्षय स्रोत जहाँ को कहा जाउची कि एगुड़ी किभली भाव अधिक रु अधिक टैप करा जिवो भारत जो गोटे इनिशिएटिव नेछि कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस एवं किभली भाव रे वर्तमान समय आपण जो कथा कहउछंती ब समय आसी किभली भाव रे प्रदूषण को आमे रोकी पारिबा विकल्प शक्ति बा अक्षय जो उच्च द्वारा एहा को निश्चित भाव रे रोका जाई पारिबो ताहा उपर फोकस करबार आवश्यकता रहिछि काहेकि ना विशेषज्ञ जतबे कहउछंती आगो को स्थिति आहुरी सांघातिक होई परे तेनु एबेठर आमको सतर्क रहिबार आवश्यकता निश्चित भाव रे रहिछि। लक्ष्मी मु पुनि थोर आपण पाखो आसीबा को चाहिबे आपण डिटेल्स रे देखौथिले पाकिस्तान रे केते परिमाण द ग्लेशियर रहिछि काहेकि ना तरल बा जको धीरे धीरे स्थिति सांघातिक होउछि त आउ थरे जानिबा को चाहिबो कि मोटा मोटी पाकिस्तान रे प्रकृत रे केते ग्लेशियर रहिछि केते ग्लेशियर ये तरल पर मेल्ट होबार आशंका रहउछि। बिल्कुल ग्लासियर रहिबा किछि नुवा कथा नुहे स्वागतिका प्रथम कथा होउछि कारण गोटे जदि उच्च स्थान बा पहाड़ रहउछि बा जो मेरु अंचल कथा कहंतु बा गोटे हमर जो आमर काश्मीर बा पाक अधिकृत काश्मीर कथा कहंतु बा बड़ बड़ उच्च पहाड़ रहिला ग्लासियर रहिबा स्वाभाविक कथा किंतु से ग्लासियर तरलिला काहेकि एहा मते गोटे बड़ प्रश्न आसुछि काहेकि तरलुछि एथिपई दाई किए पाकिस्तान रे जो बड़ बड़ बन्या आसुछि एथिपई दाई किए गोटे रिपोर्ट अनुसार जहाँ आम पाखे सूचना रही गोटे दशंधिरे पाकिस्तान रे गोटे थर विपर्यमूलक प्रलयंकर बन्या आसीबा निश्चित आगुरी मध्य सेमती आसला 2010 मसीह आसला अर्थ गोटे दशंधि भितर गोटे बड़ बन्या आसुची माने निहाती ना निहाती आम कहीपरिया केवल स्वाभाविक वर्षा नुहे एथिपाई
किसी मात्रा विकास ही गोटे प्रकार दायी आम एपाई कहे जो देखते पहाड़ चीरी आम रास्ता निर्माण कले रेल लाइन पकेले सेठी जंत्रपाति रहा तार जो निर्गत हो गैस एगुड़ी सब बरफ तल करें नंबर वन कथा तेरे आप कथा कहले के ग्लासीयर रही फुट ग्लासीयर रही कहीं तरुच्ची देखा चाहिए दर्शक बंधु मानक देखो जो ग्लासीयर कथा कहे तेरे केवल कहतु केवल पाकिस्तान नुहे आपंकर पीओके पाक अधिकृत काश्मीर कथा कहतु गिलगिट बलोचिस्तान कथा कहतु खैबर प्रदेश कथा कहतु अनेक बहुत उच्चर अच्छा यही अंचल गुड़ाक बहुत उच्चर अच्छा सर्वाधिक उच्चता ए जगह कह चाहिए जे पाखापाखी यार सर्वाधिक उच्चता स्वागतिक आप देखु ये एमती देखा जापे कि उच्चता 8469 मीटर अर्थात 27785 फुट आपणकर उच्चता गुड़िक आप देखु टप गुड़ाक पहाड़ टप गुड़ाक ग्लासीयर रही है ओके यहाँ कौन हो बना जो व्यापक क्षयति होती पाकिस्तान में जो आम ए संपर्क आलोचना करुचे ए दायी किए जो आम आलोचना करुचे ए दायी होउची आम मुथा मणिबी एक कह ठीक भावी जे अधिकांश जल विद्युत प्रकल्प रहा शक्ति उत्पादन कर यूनिट कोईला चली था जो कारण प्रदूषण जो पर्वत परिवेश खराब यही अंचल पर्वत गुड़िक परिवेश खराब होता जो स्वाभाविक परिवेश रहा कथा से स्वाभाविक परिवेश में आम कि परिवर्तन देखुचे जो ग्लासीयर तरल आरंभ करुच्छे तापमात्रा क्रमगत भाव में वृद्धि पाँच ये अंचल गुड़िक वृद्धि पाया फल पर्वत गुड़िकर क्षति घटा अर्थ पर्वत जो मुझ 8000 जो फुट के आपण को कहली ताठू मैं धीरे धीरे से तलू तलू कमी आरंभ करुँ से बरफ तरल स्टार्ट करुँ जदि कह पाकिस्तान जो बनिया फ्लाश फ्लड आसे हजार हजार लोकंर जीवन प्रभावित हो जो आपणकर व्यापक क्षयति घटी ए संपर्क में आम आलोचना कला बेले आउ गोटे बड़ कथा सामना को आसूचे केते रही ग्लासीयर रही पाकिस्तान रे ता संपर्क में आलोचना करवा जमी आपणकर देखु पखापाखी जन प्रफेसर गोटे ट्विट कर फ्लाश फ्लड परिस्थित आकलन करवा दुनिया कौन से वैज्ञानिक संभव नुहे तो अर्थ आम आगु सजग रहा कथा तेणु नदीकूल उपस्थित लोक मध्य बचेवा कष्टकर फ्लाश फ्लड समय तेणु पाकिस्तान जदि आम आलोचना करवा ग्लासीयर संपर्क में एक रिपोर्ट मुताबक पाखापाखि 27800 ग्लासीयर आपणकर पाकिस्तान जो पहाड़ गुड़िक रही जो जो अंचल गुड़िक ग्लासीयर जमा रही एगुड़िकर आप देख विजुअल गुड़ाक देख जानपारे यह कि भाव में बर्तमान ग्लासीयर रही पहाड़ गुड़िकगुड़िक तरल द्वारा आप देखते बहारी विलेज महेन्द्री कागन सैफुल मोलक एवं बाटकुंडी ये भाव में देख एरिया गुड़िक देखु बवारी एगुड़िकगुड़िकर आप देखते केते परिमाणर आपंकर ग्लासीयर रही एगुड़िक ही तरल द्वारा यह भाव में फ्लाश फ्लड आसूब असंभव बन्या स्थित उपजुच्छे स्वागतिका ओके आप जो दृश्य देखा कि भाव में बड़ बड़ पहाड़ ग्लासीयर पहाड़ तरलुच्च जहाद्वारा स्थित सांघातिक हो फ्लाश फ्लड बोध होता ये जलवायु परिवर्तन जो एभली स्थित वर्तमान समय जो सृष्टि हो सारा विश्वपाई ये अत्यंत चिंताजनक डॉक्टर दास आम जो चित्र देखु अत्यंत भयंकर दृश्य विपर्यर जो दृश्य देखु आग को आहरी सांघातिक हो पाए आप देखु जिते बड़े जो कथा कहुच्छे आम पाकिस्तान कथा कह किसी पूर्व सहित जलकृष्ण पाणिग्राही को सामान क्वेश्चन करुँ कि जिते बड़े पाकिस्तान प्रदूषण पर मात्र एक प्रतिशत दायी किंतु 8 नंबर स्थान में अच्छी किंतु बड़ बड़ जो विकासशील देश गुड़िकर अधिक प्रदूषण होउछि जहाँ प्रभाव सारा विश्व में देखा मिली एवं पाकिस्तान स्थिति पर केतेकांशर चीन को मध्य दायी कर तो वर्तमान समय ही सारा विश्वपी गोटे थ्रेट बोली आम कहीपर कि ग्लेसियर तरलवा भारत सतर्क घंटी किभली प्रस्तुति वर्तमान समय कर आवश्यकता रही भारत देखो ये निश्चित भाव जो जलवायु पर एवं जहाँ की कन्सिक्वेन्सेस होंगे ग्लासीयर तरलवा गोटे 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 आस्पेक्ट एवं आर जो जो भाव में आम देखुचे आम जी कि वर्ष पूर्व जी मे 3 बा मे 5 तारीख में ओडिशा को साइक्लोन अफेक्ट कर मे मसरे ताले किभली भाव में आम जापर जार प्रभाव पर किभली भाव में आम समस्त वर्तमान अफेक्टेड होचे बा प्रभावित होचे एवं सही परिप्रेक्षी रे आपण देखंतु जो विकसित राष्ट्र मानक कथा आपण कहिले सेमाने संपूर्ण भाव में जिते प्रकार जिते पल्यूट करबा कथा बा जिते ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करबा कथा सेमाने करी निजे को गोटे प्रकार
विकसित भाव गोटे प्रकार प्रतिपादन कर ऊपर जो गोटे ऐतिहासिक बर्डन रही रेस्पोन्सिबिलिटी रही जो पेरिस क्लाइमेट चेंज कन्फरेन्स आलोचित ही आदृत मतलब गोटे आप्रूव होता कि प्रत वर्ष से मानको प्राय 100 बिलियन यूएस डॉलर तो पाकिस्तान पाई जेते बले काळ साजिछि एरा भौगोलिक अवस्थिति बोली कहा जाउछि किंतु ग्लेशियर तरलिपा नै विशेषज्ञ चिंता रे पड़ जाइछंती जलवायु परिवर्तन रो प्रभाव देखिबाक मिलिछि जलवायु परिवर्तन जको ग्लेशियर तरलुछि बारंबार विपर्यर सामना मध्य आगको करबाक पड़ि पारे वर्तमान जो चित्र आसुछि ता ट्रेलर बोली वैज्ञानिक कहउछंती आगको बड़ विपद रहिछि तेते बले पाकिस्तान ने देखिबा कि बड़ विपद रहिछि त भारत पई मध्य सतर्क घंटी तेति पई आमको निश्चित भाव रे अक्षय शक्ति उच्च प्रति ए दिगरे फोकस करिबार आवश्यकता रहिछि एवं सचेतन ता सहित सरकारकर मध्य गोटे बड़ दायित्व रहिछि साधारण लोक माने मध्य सचेतन हेबार आवश्यकता रहिछि एवं एबेठार हमर प्रिपेयर हेबार आवश्यकता रहिछि धन्यवाद लक्ष्मी धन्यवाद डॉक्टर दास आपन उभयंक बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सोई आलोचना को एट रखिबा नमस्कार।